अनुपम खेर बॉलीवुड का वो नाम है जिससे शायद ही कोई अनजान होगा। हर किरदार में ढल जाने वाले बॉलीवुड के जाने माने अनुपम खेर के बारे में बात चाहे विलन के रोल की हो, पति के रोल की हो या फिर दोस्त के रोल की, ये एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन और एंकरिंग भी करते हैं। शायद ही ऐसा कुछ होगा जो अनुपम खेर ना कर सकते हो। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 शिमला के कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। उनके पिता पुष्कर नाथ खेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। अनुपम खेर हमेशा से ही जॉइंट फैमिली में रहे। इन्होंने हिमाचल के डीएवी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्हें एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। अक्सर वो अपने टीचर्स की एक्टिंग किया करते थे। वो पढ़ाई में तो ज्यादा अच्छे नहीं थे लेकिन उनकी एक्टिंग बेमिसाल थी। और एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में एक्टिंग कोर्स का एक एडवर्टाइजमेंट देखा और उस कोर्स की फी थी 100 रुपए और उनके पिता की सैलरी 90 रुपए। उन्होंने ऑडिशन देने का मन बनाया लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी माँ के मंदिर से 100 रुपए चुरा लिए। अनुपम खेर को हमेशा से दूसरों से हटकर चीजें करना बहुत पसंद था। उन्हें पता था कि ऑडिशन देने बहुत से लोग आएंगे जो अलग अलग लोगों की नकल उतारेंगे। इसी के चलते उन्होंने ऑडिशन में एक लड़की का रोल अदा किया। अनुपम खेर का ऐसा मानना है कि उन्होंने बहुत बुरा ऑडिशन दिया था। घर लौटने पर उनके पिता ने उनसे एक सवाल पूछा, जिस दिन घर से पैसे चोरी हुए थे तुम उस दिन कहाँ थे? तो उन्होंने सच बताया, जिस वजह से उनकी माँ ने उन्हें थप्पड़ मारा। जिसके बाद उनके पिता ने आगे आकर उनके हाथ में एक लेटर थमाया और बताया कि तुम जिस ऑडिशन में गए थे उसमें तुम सिलेक्ट हो चुके हो और उस लिफाफे में 200 रुपए मिले, जिसमें से उन्होंने 100 रुपए अपनी माँ को वापस कर दिए। अनुपम खेर ने पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट में मशहूर बलवंत कारगी और अमाल अलाना के साथ उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उनकी मेहनत रंग लाई। पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट में ये बतौर गोल्ड मेडलिस्ट चुने गए। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और वहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, जिसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब उन्हें फिल्में मिलने लगेंगी, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। धीरे धीरे करके उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद कायम रखी। तभी भारतेंदु ड्रामा सेंटर से ड्रामा टीचर की नौकरी का उन्हें अवसर मिला और उन्होंने ये नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनका मन एक्टिंग में ही लगता था। तब उनके एक दोस्त ने सलाह दी कि तुम मुंबई में भी एक्टिंग टीचर के तौर पर काम कर सकते हो और साथ ही फिल्मों के लिए स्ट्रगल भी कर सकते हो। इसके बाद साल 1981 में अनुपम खेर मुंबई आ गए और वहां उन्होंने चौल में रहने का सोचा। उस टाइम पर इनका एड्रेस था 215 खेड़वाड़ी, खेड़ नगर, खेड़ रोड। ये महज एक इत्तेफाक था उनके मन में जब ये ख्याल आया कि मुंबई एक न एक दिन उनके सपने सच जरूर करेगी। लेकिन उनके पास पैसे खत्म होते जा रहे थे और काम था जो कहीं मिल ही नहीं रहा था। जिसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई से बात की जो उस समय एक टीम की फैक्ट्री में काम किया करते थे। काफी कोशिशों के बाद अनुपम खेर महेश भट्ट से मिले और महेश भट्ट को अनुपम खेर की एक्टिंग बेहद पसंद आई। इसके बाद महेश भट्ट ने अनुपम खेर को फिल्म सरांच के लिए साइन कर लिया, लेकिन महेश भट्ट को ये सलाह दी गई कि अनुपम खेर की जगह किसी पुराने एक्टर को लेना चाहिए जिससे फिल्म हिट हो सके। जिसके बाद फिल्म में संजीव कुमार को साइन कर लिया गया। जब ये बात अनुपम को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए और वो महेश भट्ट से कहने लगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। इसके बाद अनुपम खेर बहुत ज्यादा रोने लगे, जिसके बाद उन्हें सरांच मूवी में दूसरा रोल दिया गया। इस फिल्म में उन्होंने एक बूढ़े आदमी का किरदार निभाया। इस किरदार को उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से निभाया कि हर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ करने लगा और इसके बाद महज 10 दिनों के अंदर ही उन्हें 100 फिल्मों के ऑफर आए। ये बात उनके लिए बहुत बड़ी थी, जिसके बाद अनुपम खेर ने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें फिल्म सरांच के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्में की और आज बॉलीवुड में अनुपम खेर मंझे हुए एक्टर्स की लिस्ट में है, जिनका नाम हमेशा बॉलीवुड में गोल्डन वर्ड से लिखा जाएगा। अनुपम खेर को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसके बाद उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए कला रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। अनुपम खेर ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी काम किया है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।